मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुझे नहीं माफ कर सकती। अरे लड़की तो पुलिस वाले के पास गई, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बहुत पत्थर दिल का है तू, इतना मारने पे भी तेरी सांसें चल रही है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे छोड़ दो। ठीक है, तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, इस तकलीफ से तुम्हें आजाद कर देती हूँ। अरे बाबू, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा, पुलिस अंकल को बचा लीजिए, नहीं तो वो लड़की मार देगी। कौन किसे कहाँ मार रहा है बाबू? रुको, मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ। रुकिए बाबा, आपने इस बच्चे की बात सुनकर मुझे श्राप देने के लिए सोच लिया, लेकिन मेरी भी बात तो सुन लीजिए। बताओ क्या बात है बाबा? दरअसल बात यह है कि अरे सर, ये क्या बदतमीजी, आपने मेरे आगे बाइक क्यों खड़ा कर दिया? बदतमीजी छोड़ो, कागज साइन कब कर रही हो? मंत्री जी का आदेश है, जल्द से जल्द साइन कर दो। वो मेरी जमीन है, मैं उस पर साइन नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जमीन मंत्री जी के नाम क्यों करूं? तुमको मैं अच्छे से समझा रहा हूं, समझ जाओ। मंत्री जी के पावर को तुम जानती नहीं हो, मरवा देंगे तुमको। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस पर साइन नहीं करूंगी। चुपचाप कागज पे साइन कर दो, नहीं मंत्री जी के पावर को तुम जानती नहीं हो। मंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनके डर से मैं साइन नहीं करूंगी, वो जमीन मेरी है तो मेरी ही रहेगी। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती है? मंत्री जी तुमको देख लेंगे, छोड़ो इसे। ये क्या कर रहे हो? नहीं दूंगी, मेरी बच्ची छोड़ो, छोड़ो मेरी बच्ची को, छोड़ो मेरी बच्ची। अरे मेरी बच्ची। बाबा यही थी सच्चाई, अगर इसमें मेरी गलती है तो आप मुझे श्राप दे सकते हैं। बच्चा मुझे तो सच्चाई पता ही नहीं था, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, लेकिन तुमने जो किया बहुत अच्छा किया।